हेलो बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 लाए हैं और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर है एंट्रोपी पे। एंट्रोपी या तो आपने आज तक पढ़ी नहीं है, और अगर पढ़ी है तो एंट्रोपी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि एंट्रोपी का टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखो, एंट्रोपी को समझने के लिए आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की समझ होनी चाहिए, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाता है। सो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप यूट्यूब पे टाइप करें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाला, और मेरा वो वीडियो देखें जिसमें मैंने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझाया है। समय की कमी है, हम सबके पास है, तो इस वीडियो में भी हम उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने की। सो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला, और आज का टॉपिक है एंट्रोपी। बात करते हैं यार एंट्रोपी की। तो भैया, एंट्रोपी की बर्थ कहां से हुई? बर्थ हुई है इसकी स्पॉन्टेनियस टर्म से। दो तीन टर्म बताएंगे, पकड़ते जाओ। स्पॉन्टेनियस टर्म, बच्चों स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो हैपेंस इटसेल्फ, जो खुद से हो जाए, हैपेंस इटसेल्फ और बाय लिटिल पुश। ठीक है, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, जो खुद से हो जाए या थोड़े से झटके से हो जाए, थोड़े से धक्के से हो जाए, ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, जो खुद से हो जाए या थोड़े से धक्के से हो जाए। ठीक है, हमने देखा बच्चों कि नेचर में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थे, नेचर में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थे जिसमें रैंडमनेस बढ़ रही थी। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, नेचर में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थे जिसमें रैंडमनेस बढ़ रही थी। रैंडमनेस समझते हैं आप? रैंडमनेस समझते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर बढ़ रहा था, ऑर्गेनाइज्ड मैनर खत्म हो रहा था, वो प्रोसेस खुद से होते हैं। किसी भी चीज को डिसऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान होता है, हमें करना ही नहीं पड़ता, वो खुद से डिसऑर्गेनाइज होती है। So, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जो खुद से हो रहे हैं, वो हमेशा खराब डायरेक्शन में जाते हैं, रैंडम डायरेक्शन में जाते हैं, जहां रैंडमनेस बढ़ रही हो, जहां कोई यूनिक पैटर्न ना हो, उस तरफ जाते हैं। मान लो मेरे पास 10 कॉइन है, क्या चांसेस है कि तुम एक पैटर्न पेपर पे लिख लो? जैसे तुमने लिख लिया कि मैं 10 कॉइन को उछाल रहा हूं एक साथ, और तुमने पेपर पे लिख लिया पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, तुमने लिख लिया 10वें पे हेड, क्या चांसेस हैं कि मेरे उछालने पे वो पैटर्न आए? बहुत कम चांस है ना, बहुत कम है, बहुत ही कम, 2 की पावर 10, 1024, उसमें से एक चांस तुम्हारा बन रहा है सिर्फ, बाकी चांसेस रैंडम आने के। चलो तुमने कुछ और लिख लिया, तुमने लिखा पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, चौथे पे हेड, तुमने एक पैटर्न अपना, एक यूनिक पैटर्न तुमने डिसाइड किया, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न तुमने डिसाइड किया, क्या चांसेस है उसके होने के? बहुत कम चांस है। तो नेचर फेवर नहीं करता यूनिक पैटर्न को, ऑर्गेनाइज नेचर फेवर करता है रैंडम पैटर्न, हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है, पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं हमेशा सिस्टम में, प्रोबेबिलिटीज बढ़ती हैं। क्लियर हो रहा है? पक्के से क्लियर हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं? जो उस तरफ जाएं जिस तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, उस तरफ नहीं जाते जिस तरफ चीजें ऑर्गेनाइज जाता हूं। ओके, क्लियर, पक्का क्लियर है। एक और एग्जाम्पल दे दें, हमारे पास 2 अलग-अलग जार हैं, एक में गैस ए, एक में गैस बी, दोनों को कनेक्ट किया, अब क्या होगा? ये गैसेस आपस में मिल जाएंगे। क्या हमने कुछ किया? नहीं, गैसेस खुद से आपस में मिल गई। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब मिल गए तो रैंडमनेस बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई, डिसऑर्गेनाइज चीज बढ़ गई, अब ज्यादा डिसऑर्गेनाइज हो गई इधर उधर। क्या अब इसको हम छोड़ दें तो अपने आप ये वापस जाएगा? अपने आप नहीं जाएगा। हम कोशिश कर सकते हैं इसको वापस लाने की, अपने आप नहीं जाएगा। हम कोई केमिकल प्रोसेस लगा के एक गैस को सेपरेट कर लेंगे, किसकी वेपर डेंसिटी कम है ज्यादा, हम कुछ कर सकते हैं एक्सटर्नली, पर अपने आप नहीं। अपने आप जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो किस तरफ जाते हैं? रैंडमनेस की तरफ। दो गैस को रखा तो मिक्स हो गई अपने आप, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है, दोनों में अलग अलग मॉलिक्यूल, रैंडम, कोई भी मॉलिक्यूल देखो रैंडमली, ए का भी हो सकता है बी का भी, ऑर्गेनाइज नहीं रहा। क्लियर? तब क्या हुआ कि हमने एक टर्म बनाया और उस टर्म का नाम रखा एंट्रोपी, सिंबल रखा एस, जो कि मेजर करेगा, बड़ी अद्भुत चीज, बड़ी अद्भुत चीज, मेजर करेगा रैंडमनेस। बड़ा खूबसूरत टर्म है एंट्रोपी, रैंडमनेस मेजर करने के लिए बना दिया हमने।
जिस सिस्टम की रैंडमनेस ज्यादा है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, है ना। हमने एक टर्म बनाया, हमने अब हम मैथ्स ला रहे हैं इसके अंदर। हमारे पास कोई रिएक्शन लिखा है ए से बी, हमने आपसे पूछा भाई साहब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये रिएक्शन खुद से होगा कि नहीं, आप बोलोगे आप चेक कर लो। अगर इस रिएक्शन में आगे जाते वक्त एंट्रोपी इंक्रीज कर रही, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज कर रही, तो ये प्रोसेस डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एंट्रोपी घट रही तो ये स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी क्या है बच्चों? मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड चीज, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे आप स्कूल में ले लो, अपनी लाइफ में ले लो, अपन स्कूल में जाते हैं, क्या चांसेस है कि तुम सेम पैटर्न पे रोज बैठो? टीचर फोर्स करता है तब बैठते हो, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स के हटते ही क्या चांसेस है हर बच्चा रोज उसी सीट पे बैठे जहां पे बैठा था? कोई चांस नहीं है, सब रैंडम जगह बैठेंगे, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। अगर कोई प्रोसेस खुद से हो रहा है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। अगर रोज आप स्कूल जा रहे हो, कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बाहर से फोर्स नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, खुद से हो रहा है, तो आप रोज अलग अलग जगह पे बैठ सकते हो। आप जल्दी पहुंचे, आपकी बस देर से आई, आज आपका मन नहीं किया आगे बैठने का, आज आपको पिछली सीट से प्यार हो गया, वहां आपकी बंदी बैठी आप उसको देखना चाहते हो, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस। यानी जो चीज नेचुरली होती है बच्चों उसमें रैंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो अगर हमें पता लगाना है कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे एंट्रोपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, रैंडमनेस बढ़ रही। अभी लाएंगे सब चीजें, लाएंगे कंसेप्ट, जानना बहुत जरूरी। दिमाग में पकड़ लो दो तीन वर्ड, पहला पकड़ स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो, दूसरा वर्ड रैंडमनेस डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें बढ़ती हैं हमेशा, नेचर में हमेशा बढ़ती हैं अगर अपने आप की प्रोसेस, और तीसरा वर्ड एंट्रोपी जो मेजर है रैंडमनेस का। क्लियर? अब प्रॉब्लम सुनो। प्रॉब्लम यह है यार, ये जो एंट्रोपी एस है इट कैन नेवर बी मेजर्ड। शिट सर ये क्या बात हुई? इट कैन, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट बात सच है, इट कैन नेवर बी मेजर्ड। आप किसी सिस्टम की रैंडमनेस कैसे मेजर करोगे? रैंडमनेस लाइक बदमाशी, मैं तुम्हारी बदमाशी मेजर नहीं कर सकता, ये कितना बदमाश है मुझे क्या पता, है बदमाश, है बहुत बदमाश, है बहुत ज्यादा बदमाश, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सो एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड, बट इंपॉर्टेंट है चेंज इन एंट्रोपी मेजर करना। चेंज मेजर हो सकता है ना, चेंज मेजर हो सकता है, ये कल से ज्यादा बदमाश है कि कम, कल से ज्यादा है कि नहीं, कल इसने चौक खाई थी आज ये चूहा खा गया, कल से ज्यादा बदमाश हो गया। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेंज इन एंट्रोपी। बच्चों रात के बज रहे हैं 3, इसलिए मेरा फिर से थोड़ा सा पागलपन दिमाग में सवार, एग्जांपल मेरे ऐसे ही रहेंगे। चेंज इन एंट्रोपी ये हमें मेजर करना है और ये हम मेजर कर सकते हैं। क्या इससे काम बन जाएगा बच्चों? बिल्कुल बन जाएगा। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ, व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। स्टेट फंक्शन भी है, अभी बात करेंगे, रुक जाओ। फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, तो फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है, इनिशियल कम है, सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। अगर कोई प्रोसेस बच्चों स्पॉन्टेनियस है तो रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी और चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, 2 से 4 हो रही है, तो चेंज कितना है? +2। तो अब हमारे पास अब एक डिफाइंड तरीका हो गया। अगर हमसे कोई कहता है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो हमारे पास अब एक वेरिएबल है डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी बढ़ी है, मतलब रैंडमनेस बढ़ी है, मतलब स्पॉन्टेनियस। और यदि डेल्टा एस नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा एस नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इतना नोट करें, फिर आगे लिखवाता हूं। ठीक है, ठीक है, काल्पनिक टर्म है ये, काल्पनिक एंट्रोपी पूरी तरह से, भैया पूरी एक कहानी काल्पनिक है, कुछ होता होता नहीं है सब। हम लोग बहुत डेप्थ में थर्मो गए, कुछ नहीं होता, एंट्रोपी एंट्रोपी है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पूरी काल्पनिक कहानी बना के रखी गई है मनगढ़ंत हमारे दिमाग को समझाने के लिए। पूरी केमिस्ट्री ऐसे ही यार, नोट कर ले। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना होता है,
स्टैंडर्डाइजेशन होता ही नहीं है, वो सब सब मन पूरी केमिस्ट्री में जितनी चीजें बहुत मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप कभी डेप्थ में पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, सोचा हुआ कंसेप्ट है। मिटा दें इसको, ओके। एंट्रोपी एक सोचा हुआ कंसेप्ट है, सोचा गया ऐसा होता होगा, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ, रैंडमनेस वाली बात सच है कि सिस्टम उधर ही जाता है जिधर रैंडमनेस बढ़ रही हो, हमेशा नहीं। सुनते रहो मेरी एक एक बात, हमेशा नहीं, कई बार उस तरफ भी चला जाता है जिधर रैंडमनेस कम हो रही हो। बहुत सी कहानियां सिस्टम में, पर आज के लिए हम लोग अभी टॉपिक यहीं पे लिमिटेड रखेंगे। तो अगर कोई प्रोसेस हो रहा है ए टू बी वाला, और इस प्रोसेस को अगर हम पूछें कि ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो आप सिंपल बोलोगे कि सर जब रैंडमनेस बढ़ेगी। हम बोलेंगे इसका मतलब, आप बोलोगे सर एंट्रोपी बढ़ेगी। हम बोलेंगे इसका मतलब, आप बोलोगे चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। क्लियर? इसको मैं धीमा कर दूं, आवाज डिस्टर्ब हो रही होगी थोड़ी। क्लियर? तो भैया बढ़ रही है तो ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं बच्चों ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? अब नॉन स्पॉन्टेनियस में डर तो नहीं है, जो प्रोसेस खुद से ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। खुद से ना हो, ऐसा नहीं कि ना हो, खुद से ना हो। जैसे तुम्हारा पढ़ाई करना होता है, खुद से नहीं होता ना, मम्मी का फ्लाइंग चप्पल चाहिए होता है उसके लिए, है ना, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें रैंडमनेस डेफिनेटली कम हो रही हो, जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज कर रही हो, और जिसमें चेंज इन एंट्रोपी कैसा आएगा? नेगेटिव। फाइनल एंट्रोपी छोटा है, इनिशियल बड़ा है, तो ये नेगेटिव। तो दो तरह के प्रोसेस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी। हमसे कोई पूछेगा एग्जाम में, बताओ भाई साहब ये प्रोसेस होगा कि नहीं, बोल रहा था बोल, तुम बोलोगे हम भैया एंट्रोपी चेक करेंगे, है ना। हनुमान जी से नहीं पूछ सकते हम, आग बंद करें, हनुमान जी बताओ ये होगा कि नहीं, हम एंट्रोपी चेक करेंगे। अगर एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो तो हम बोल देंगे हाँ प्रोसेस होगा, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो प्रोसेस होगा। क्लियर है? अभी और बहुत सी बातें आएंगी। जैसे मैं आपसे एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल यहीं पे पूछ लूं, कंसेप्ट है, जो बच्चा याद कर रहा है ना एंट्रोपी वो तो गया, फिर कंसेप्ट है। देखो मान लो कोई प्रोसेस ये लिखा हुआ है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए सब पहचान रहे होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि मेरी ज्यादातर जनता मुझे पता है क्लास 11 की, इसलिए मैं बहुत बच्चों से ट्वीट करता हूं, जबकि मुझे पता है कि रिपीटर्स भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, वेलकम रिपीटर्स, आप लोग के लिए भी वीडियो है, चाय पी लो। मान लो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ए से बी और बी से ए, इसका मतलब हुआ बच्चों ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस। यहां पे ये तो स्पॉन्टेनियस है, ए टू बी इज स्पॉन्टेनियस, जैसे हमने मान लिया। अगर ए टू बी बच्चों स्पॉन्टेनियस है तो बी टू ए क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तो बहुत लॉजिकल बात है ना, हाँ या ना यार, यस और नो। इस तरफ का अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इस तरफ का डेल्टा एस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पर मान लो ऐसा रिएक्शन है, ए से बी भी बनना चाहता है स्पॉन्टेनियस, बी से ए भी बनना चाहता है स्पॉन्टेनियस, ऐसे प्रोसेस का बच्चों डेल्टा एस जीरो है। कहे भैया दोनों तरफ जाना चाहता है, ए से बी भी जाना चाहता है, बी से ए भी आना चाहता है, जितनी इसकी एंट्रोपी उतनी इसकी एंट्रोपी, कोई डिफरेंस ही नहीं है। वो ए से बी गया उसे कोई खुशी नहीं मिली, वापस बी से ए आ गया फिर कोई खुशी नहीं मिली, फिर ए से बी चला गया कोई खुशी नहीं। क्यों होता है? उसके पीछे आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, क्यों होता है के लिए। इक्विलिब्रियम कहानी है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस कहानी। अभी के लिए इतना समझो कि जो प्रोसेस आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, इधर भी स्पॉन्टेनियस इधर भी स्पॉन्टेनियस, उसमें क्या होगा? उसमें चेंज इन एंट्रोपी जीरो। बहुत क्लियर ऑप्शन है। कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस की चेंज इन एंट्रोपी कितनी आएगी? जीरो। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस की चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस की चेंज इन एंट्रोपी लेस देन जीरो, और रिवर्सिबल की चेंज इन एंट्रोपी जीरो। भैया एंट्रोपी का चेंज क्या है? जिधर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस उधर पॉजिटिव है, दोनों तरफ स्पॉन्टेनियस मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो, कहीं एंट्रोपी ज्यादा कम है ही नहीं। तीन बातें याद रहेगी मेरी, आगे बढ़ जाए हम, नोट कर ले इसको। रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी जीरो, कैसा भी रिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो, कैसा भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, चेंज इन एंट्रोपी विल बी, कम ऑन मेरे साथ बोलो, इक्वल टू जीरो। दिमाग में रिवर्सिबल, आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी, मतलब एंट्रोपी दोनों तरफ बराबर, खुद ही उसको नहीं पता किधर जाना। चलो चलिए अब कुछ बातें हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। लिखिए
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी, इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा लें बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एंट्रोपी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन पहचानते हैं आप लोग क्या होते हैं? ठीक है, इसके ऊपर सवाल आया हुआ जेई में। ठीक है, तो हर चीज को ध्यान से पढ़ा करो, जितने कंसेप्ट पढ़ाते हैं कंसेप्ट सवाल मिलेंगे। देखो जेई मेंस और एआई ट्रिपली एक लेवल का है और दोनों का लेवल घटिया है। ज्यादा बोल गया क्या मैं? चलो सॉरी। तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये क्या बता रहे हैं सर? हाँ, चेंज इन एंट्रोपी का सीधा फॉर्मूला है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। बात सुनो, चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ थ्रू विच चेंज अकर्स। ये आप सुन सकते हैं रात को कॉलोनी में, थोड़े बहुत ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं, शायद आवाजें आ रही हैं आपको। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ थ्रू विच चेंज अकर्स। जो चीज स्टेट फंक्शन होता है उसका चेंज सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से चेंज हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता। कोई केमिकल रिएक्शन हो, चेंज इन एंट्रोपी, फाइनल क्या बनता है? प्रोडक्ट्स। इनिशियल क्या होता है? रिएक्टेड। तो कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेड। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, किस तरह से रिएक्शन हुआ, कैसे, क्या कहानी हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो जेई का क्वेश्चन दिखा देता हूं, 2010 का या 2012 का सवाल है। ठीक है, इधर बोला प्रेशर, इधर बोला वॉल्यूम, मल्टीपल करेक्ट में था, मैं एंट्रोपी वाला पार्ट दिखाता हूं। यहां बोला एक्स, यहां बोला वाई, यहां बोला जेड। खटक खटक खटक। अब वो हमसे पूछ रहे हैं तुम ट्रू फॉल्स की तरह बताना, एस एक्स से जेड इज इक्वल्स टू एस एक्स से वाई प्लस एस वाई से जेड। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? घुमा फिरा के यही पूछा था, बना लो इसको। ठीक है, 2010 या 2012 का था। अगली क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि लेके नोट्स साथ में खड़ा रहूं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक दो क्लास के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं जेई के क्वेश्चन साथ साथ में क्लास के। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई जो आप बोल रहे थे दिन से, क्वेश्चन का लेवल जो है। तो भाई जेई के क्वेश्चन करते हैं, लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और भी कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हैं आजकल आप लोग की, ऐसे ही नहीं हमारी शक्ल जागी जागी लग रही है। ठीक है, हम भी आपके साथ हैं, जितना दर्द आपका है उतना दर्द हमारा है। ठीक है, हाँ सिलेक्शन आपका है मेरा नहीं है, वो बात सही है। तो क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या एंट्रोपी एक्स से जेड में जो है, एक्स से जेड में मतलब चेंज इन एंट्रोपी है ना, एस से जेड मतलब एक्स से जेड की एंट्रोपी मतलब चेंज इन एंट्रोपी एक्स से जेड वाली, क्या वो चेंज इन एंट्रोपी एक्स से वाई प्लस चेंज इन एंट्रोपी वाई से जेड, क्या ये लिखना सही है कि गलत है? बताओ, हमें एक्स से जेड जाना था तो हम एक्स से जेड चाहे ऐसे आए बच्चों चाहे ऐसे आए, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? सेम, क्योंकि इनिशियल पॉइंट एक्स है, फाइनल पॉइंट जेड। यहां पर देखो, इनिशियल पॉइंट एक्स, फाइनल पॉइंट जेड। तो यस यस इट इज ट्रू, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप सोच रहे हो क्या सही में ऐसा आया था? जेई में आया था 2010 या 2012, क्वेश्चन देख लेना मल्टीपल करेक्ट में। एक तो वर्क पूछा था, उन्होंने कहा था वर्क एक्स से जेड को हम लिख सकते हैं, वर्क एक्स से वाई, वाई से जेड नहीं लिख सकते। पता है ना, वर्क पाथ फंक्शन होता है, रास्ते पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन। तो एक वर्क और एक एंट्रोपी को लेकर कंफ्यूज करने की कोशिश की थी उन्होंने, वर्क का और भी ऑप्शन दिया था, वर्क में भी एक्स टू वाई वाई जेड। ठीक है, खैर चलिए इतना हो गया, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन आया था जेई 2006 या 2007 का था। ठीक है, सवाल बताता हूं मैं, एक सवाल और क्या पूछा था हमसे कि हम ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए, एंट्रोपी चेंज ए से सी जाने का है प्लस 50 ईयू। ईयू इन्होंने बोला एंट्रोपी की यूनिट है, कोई जेई वाले ऐसे ही कर देते हैं। चेंज इन एंट्रोपी सी से डी इन्होंने बोला कुछ है प्लस 30 ईयू, एंट्रोपी यूनिट।
चेंज इन एंट्रोपी बी से डी इन्होंने बोला है प्लस 20 ईयू. क्वेश्चन है फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ए टू बी. चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे. ए बी सी डी. ऑप्शन है प्लस 100 ईयू, प्लस 60 ईयू, माइनस 100 ईयू, माइनस 60 ईयू. चलिए पॉज कर लें वीडियो को और ट्राई करें सवाल को. अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर एक बार ट्राई मारें इसको. करने से होगा भैया, योगा है ना. जब आप ट्राई करोगे खुद से तभी सवाल होगा. तब तक मैं अपने प्यारे से मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला दूं. इंक का भूखा मार्कर, जैसे आप को चूहा खाने से एनर्जी मिलती है, वैसे मेरे मार्कर को इंक खाने से एनर्जी मिलती है. हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा अब तक. चलो पॉज करिए, लास्ट टाइम दे रहा हूं, ट्राई कर लो. एक दो तीन चार पांच, आई एम स्टार्टिंग. चलो भाई, डेल्टा एस ए से सी, डेल्टा एस ए से, देख लो ध्यान से टर्म्स देख लो. डेल्टा एस ए से सी, ए इनिशियल पॉइंट, सी फाइनल पॉइंट. क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, एंट्रोपी ऑफ सी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए. सही है. डेल्टा एस सी से डी, सी से डी मतलब एंट्रोपी ऑफ डी माइनस एंट्रोपी ऑफ सी. डेल्टा एस बी से डी, यहां पर पलट दिया, डेल्टा एस बी से डी. अरे वैसे बनिए दिया ऐसे है, बी से डी दिया है, मतलब बी से डी गए, मतलब डी फाइनल पॉइंट दे रहा है, डी माइनस बी. चाहिए क्या हमें, चाहिए हमको ये रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इज डेल्टा एस ए से बी, यानी एस बी माइनस एस ए रिक्वायर्ड है. ए से बी फाइनल माइनस इनिशियल, ये रिक्वायर्ड है. अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, सी से सी मर जाएगा और डी से डी नहीं मर रहा है, दिक्कत ये. अगर डी से डी मर जाए, सी से सी मर जाए, बचेगा क्या, ऐसे और ऐसे ही बचेगा, है ना, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगर सी से सी मर जाए और डी से डी मर जाए तो कहानी खत्म, ऐसे और ऐसे ही बचेगा, हमारा कहानी काम बन जाएगा. हम एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को पलट देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं, है ना, मतलब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो. क्या करो, इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी माइनस 20. ये पलट जाएगा, एस बी माइनस एस डी हो जाएगा. ठीक है, अब अगर इसको हम ऐड करें बच्चों, तो एस सी से एस सी कट गया, एस डी से एस डी कट गया, मेरे पास बचा एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू 50 30 80 माइनस 20, दैट इज 60 ईयू. और इसी की हमको वैल्यू चाहिए थी. द आंसर इज 60 ईयू, है ना, ईयू उन्होंने बताया एंट्रोपी की यूनिट. सो आंसर बी इज करेक्ट. तो 2006 का एक सवाल हमने आपको ये दिखाया, है ना, और वो क्वेश्चन 2012 का शायद था. ठीक है, तो इस तरह के सवाल आए थे जो ये प्रूफ करते हैं कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है. ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात. अच्छा चलो, अगला कंसेप्ट भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके ऊपर भी सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं. तो एंट्रोपी की बेसिक बातें आ गई. अब समझो कि एंट्रोपी डिफाइंड कैसे है, मतलब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, है ना. जैसे अभी तक तो आप बोल रहे थे एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस है, तो एक तरीका हो गया बोलने का कि रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी. अगर मैथ्स की भाषा में हम बात करें बच्चों, मैथ्स की भाषा में मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, तो एंट्रोपी मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है. डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, या डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी. देखो बच्चों, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करना. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तब एंट्रोपी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना, वेयर डेल्टा क्यू इज चेंज इन हीट, है ना. क्यू तो आप समझते हैं चेंज इन हीट है, क्यू क्या है, चेंज इन हीट. क्यू क्या होता है, चेंज इन हीट. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का आपको चेंज इन एंट्रोपी चाहिए हो, तो आप देखो उस सिस्टम ने कितनी हीट गेन की या लूज की. अगर उसने हीट गेन की है तो पॉजिटिव रख लो, सिस्टम ने हीट लूज की है तो हीट को नेगेटिव रख लो. किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की. हीट गेन की है तो पॉजिटिव रख लो तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आ जाएगा, हीट लूज की है तो नेगेटिव रख लो. टेम्परेचर केल्विन में. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तब आप इसको उठा के इंटीग्रेट करोगे, ये डेल्टा डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, है ना. डीएस का इंटीग्रेशन एस आएगा, इनिशियल से फाइनल, एस फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा एस, है ना. डीएस का इंटीग्रेशन एस, इनिशियल से फाइनल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी. ये कब लगाओगे, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं हो.
और ये कब लगाओगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. तो नोट कर लें मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी की, डेल्टा क्यू बाई टी या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी. डी क्यू बाई टी कब, जब टेम्परेचर वेरी बिलो. डेल्टा क्यू बाई टी कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. तो इतनी बातें नोट कर लें बच्चों, फिर हम आगे बढ़े. ध्यान देना, हीट को अगर गेन करेगा सिस्टम तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, हीट पॉजिटिव. हीट को लूज करेगा तो ये नेगेटिव होगा, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव. मिटा दें. अच्छा, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन थी जो अभी मैं एक जगह दिखाऊंगा जहां पे उसको आप लगा ही नहीं पाओगे. अभी लिख लिया मैथमेटिकल डेफिनेशन, अच्छी बात है. अभी नॉर्मल से सवाल आएगा, सिस्टम ने इतनी हीट गेन की एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो चेंज इन एंट्रोपी बताओ, तो आप बता दोगे यार हीट रख के नीचे टेम्परेचर रख के बता दोगे, ठीक है ना, उसमें दिक्कत नहीं कोई. जैसे आपसे भी हम यूनिट वगैरह पूछ लें पहले कि यूनिट क्या होगी भैया चेंज इन एंट्रोपी की, तो आप बोलोगे सर डेल्टा क्यू बाई टी. तो डेल्टा क्यू किस में होगा, जूल्स में. टेम्परेचर किस में, केल्विन. तो जूल्स पर केल्विन. पर ऐसा मत बोलना, हम एंट्रोपी को पर मोल मेजर करते हैं, हमारी आदत है पर मोल. तो यहाँ नीचे हम नंबर ऑफ मोल्स भी यूज करते हैं, यानी हमारी फाइनल आंसर आएगा जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना. एंट्रोपी अब आप देख चुके हो थोड़ी देर पहले की, अच्छा नहीं बताया मैंने, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. आई एम सो सॉरी, लिख लो, नोट करो. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों वो होती है जो मास पे डिपेंड करें, मोल्स पे डिपेंड करें, अमाउंट पे डिपेंड करें, है ना, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है. एंट्रोपी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा मैटर होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी. तो हम इसको पर मोल इसीलिए एक्सप्रेस करते हैं कि भाई एक मोल की इतनी एंट्रोपी है, दो मोल की इतनी एंट्रोपी होगी, तो पर मोल. तो जूल पर मोल पर केल्विन ले लो, या कैलोरी पर मोल पर केल्विन ले लो, है ना, या अर्ग पर मोल पर केल्विन ले लो. कई बार ग्राम में भी दी रहती है तो हम उसको मैनेज करते हैं, मोल वगैरह में चेंज करते हैं. खैर एनीवेज, ज्यादातर आपको पर मोल में मिलेगी. क्लियर है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर. अच्छा, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला तो हमें मिल गया है भाई साहब, पर जरा एक प्रॉब्लम देखो. एंट्रोपी का फॉर्मूला यहां साइड में लिख लूं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो. अदरवाइज एस डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी, अगर टेम्परेचर वेरी बिलो. मान लो बच्चों मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और मान लो मेरे पास एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, बड़ा डिफरेंस है दोनों में. बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है, जैसे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस वाला एग्जांपल ले लो. मान लो इसमें गैस ए भर रखी है और मान लो इसमें गैस बी भर रखी है, दो अलग अलग वेसल्स में, और यहां बीच से हमने एक वॉल्व लगा रखा है, बीच में एक वॉल्व लगा रखा है. मान लो ये जो कवरिंग बनी है ये इंसुलेटिंग मटेरियल की है, इंसुलेटिंग की. अब भैया ये इंसुलेटिंग की है तो बाहर से ना इसमें हीट अंदर आ सकती है ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है, तो एक तरह से ये आइसोलेटेड अकेला सिस्टम है, इसको बाहर से कोई मतलब ही नहीं, हीट एक्सचेंज का गेम खेल नहीं सकता, गैस बाहर निकल नहीं सकती, बंद है. तो ना ही मास एक्सचेंज है ना ही हीट एक्सचेंज है, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड बोलते हैं केमिस्ट्री में. ना ही मास बाहर जा सकता है ना ही हीट बाहर अंदर कर सकती है. अगर मैं वॉल्व को अचानक से हटा दूं तो क्या होगा, गैस मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी सर, है ना, गैस मिक्स हो गई. अब यहां पे ए भी है बी भी है, और यहां पे भी ए भी होगा और बी भी होगा. मैं पूछूं डेल्टा एस आप डेफिनेशन से बताओ, तो आप बोलोगे डेल्टा क्यू बाई टी या डी क्यू बाई टी, जो भी लगाओ. तो मैं पता है सिस्टम का डेल्टा क्यू तो जीरो है यार, तो हीट तो अंदर ना गई ना बाहर आई, हीट चेंज जीरो, हीट का जो एक्सचेंज है वो भाई साहब जीरो है, तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा ना. ये गलती मत करना, एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा, समझो. यहां पे हम मैथमेटिकल डेफिनेशन को भाव दे ही नहीं पाएंगे. आप देखो यहां से यहां अगर आप आओ तो आपको दिख रहा है कि डिसऑर्डर या रैंडमनेस बढ़ी है, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर या रैंडमनेस सिस्टम की बढ़ी है कि नहीं, रैंडम हो गया है, मतलब एंट्रोपी तो इंक्रीज ही की है. इसका मतलब डेल्टा एस क्या लिखोगे, ग्रेटर देन जीरो. तो अब इस बात को तुमको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको. अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट के ऊपर डिसीजन मत देना, इससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं. आइसोलेटेड सिस्टम में इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, इस डेफिनेशन का आइसोलेटेड सिस्टम में कोई मतलब नहीं है, याद रखेंगे मेरी बात.
अब आप जेई में आ गया, मेंस में आप मार के आ जाओगे सर आइसोलेटेड सिस्टम में, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, बना के भी दे देगा पूरा, कहेगा अभी आइसोलेटिंग है या इंसुलेटिंग है या हीट एक्सचेंज नहीं, आपसे बोलेगा एंट्रोपी जी, हाँ गलत। एंट्रोपी की एक डेफिनेशन ये है, केमिकल रिएक्शन के लिए बनाई गई एंट्रोपी की बेसिक, ये तो एक मैथ्स की डेफिनेशन छोटी सी बनाई गई है केमिकल रिएक्शन में लगाने के लिए। बेसिक डेफिनेशन एंट्रोपी की क्या है, बेसिक कहां से आया है, रैंडमनेस से। तो अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, कोई टेंशन नहीं। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी ग्रेटर देन जीरो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अब यार ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा हो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर इसको लिख लो, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन जीरो। नोट दिस वर्ड, डेल्टा एस किसका, सिस्टम का, सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम को सराउंडिंग से कोई मतलब, अपने से ही मतलब रखता है ना। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करें नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की। नोट कर लें, हीट चेंज नहीं है तब भी क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। बच्चों नॉन आइसोलेटेड वो होता है जिसमें सिस्टम हो और सिस्टम का कुछ इंटरेक्शन हो रहा हो सराउंडिंग से, ठीक है ना, सिस्टम हो और कुछ इंटरेक्शन हो रहा हो सराउंडिंग से। बच्चों नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही एंट्रोपी हमारे लिए वैल्यू रखेंगी, सिस्टम की भी सराउंडिंग की भी, और दोनों को मिला के बनेगा टोटल चेंज इन एंट्रोपी। अब आप स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन इससे इससे ना लेकर इससे लोगे, मतलब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज भी मैटर करेगा, आइसोलेटेड में नहीं करेगा। यहां पे अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन, हो सकता हो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम नेगेटिव हो और सराउंडिंग का इतना ज्यादा पॉजिटिव हो कि ओवरऑल टोटल पॉजिटिव आ जाए, तो हो सकता हो। अगर कोई आपके पास नॉन आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियस है तो हो सकता हो कि उसमें सिस्टम की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो पर सराउंडिंग उसे संभाल ले जाए। तो इतना याद रखो कि जब भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आपको सिर्फ रैंडमनेस चेक करनी है, हीट फैक्टर नहीं चेक करना। और जब नॉर्मल किसी भी सिस्टम की बात करें तो आपको देखना है सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज जोड़ के जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा। इसको कई बार हम लोग एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स भी बोलते हैं, है कि नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस मतलब एक तरफ हो रहा है, अपनी अपने मन मर्जी से चला जा रहा है, इरिवर्सिबल, एक डायरेक्शन में जाना चाहता है दूसरे डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अगर हमारे नेचर में, अगर हमारे नेचर में कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, हमारे नेचर में कोई इरिवर्सिबल, एक डायरेक्शन में जा रहा है दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा, एक डायरेक्शन में हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। सिस्टम के बारे में नहीं कह सकते, हो सकता हो सिस्टम की एंट्रोपी घट रही हो सकता हो, पर वो प्रोसेस होगा क्योंकि सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़ रही, कहीं तो फायदा हो रहा है, कहीं तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है, कहीं तो रैंडमनेस बढ़ रही है, ओवरऑल पूरे दुनिया की रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर हम पूछें आपसे जो जिंदगी चल रही है क्या इसमें हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही होगी घट रही होगी, बढ़ रही है, जितनी चीज हो रही नेचर खुद कर रहा है। द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अनलेस सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए। इस यूनिवर्स के अगर सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं सब रिवर्सिबल हो जाए तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज हो रही है सब कैसी है, इरिवर्सिबल होती है ना, जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचर में सब इरिवर्सिबल। द एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब तुम इस रूम में बैठ के अपना कमरा सजा लोगे तो तुम सिस्टम की एंट्रोपी बचा पाओगे, सराउंडिंग की एंट्रोपी तुम नहीं, समझ रहे हो बात, सराउंडिंग इतनी बड़ी है उसकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। क्लियर है, मिटा दे, बहुत बढ़िया, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना। अच्छा, कंसेप्ट ही है इसमें और कुछ नहीं है। जैसे एक बड़ा प्यारा एग्जांपल इसका मैं दूंगा, उसमें थोड़ा सा डेटा आपको मैं दिखाऊंगा तब आपको फील आएगा उस चीज का कि मैं क्या बोल रहा था। इतना प्यारा फील दूंगा मैं उस डेटा से आपको, मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूं,
प्रोसेस क्या है, मेरे पास यहाँ पे H2O है लिक्विड फॉर्म में और वो चेंज हो रहा है H2O आइस फॉर्म में. इसके लिए वाटर को हीट चाहिए होगा, चाहिए होगी नहीं, वाटर को हीट चाहिए होगा इसके लिए, मतलब हीट, सॉरी हीट रिलीज करना पड़ेगा, है ना. पानी हीट रिलीज करेगा तभी तो आइस बनेगा ना. हीट रिलीज करे यहाँ से, क्या करेगा यहाँ से, ये हीट को रिलीज करेगा, मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नेगेटिव. अगर मैं इस सिस्टम का डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पूछूं तो आप बोलोगे डेल्टा क्यू अपॉन टी. मान लेते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, फेज चेंज है ना, फेज चेंज तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं हो रहा है. भाई हीट तो ये रिलीज कर रहा है ना सिस्टम, क्या कर रहा है, पानी को हीट रिलीज करना पड़ेगा इस बनने के लिए, मतलब ये तो नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम कम्स आउट टू बी नेगेटिव, मतलब चेंज इन एंट्रोपी लेस देन जीरो ऑलवेज. इस प्रोसेस का ये तो ऑलवेज ऐसे, क्योंकि पानी बिना हीट लूज किया इस नहीं बना सकता, तो क्या ये प्रोसेस होगा ही नहीं, क्या ये प्रोसेस होगा ही नहीं, होगा यार, होगा, कौन संभाल लेगा सराउंडिंग, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी मच मच ग्रेटर देन जीरो. अरे बचा लेगा ये, जितना ये नेगेटिव उससे कहीं ज्यादा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सच दैट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स फाइनली कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो. ये प्रोसेस होता है कि नहीं होता है, अरे बोलोगे सर ये तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता यार, अगर मैं माइनस वन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लूं तो ये प्रोसेस होगा कि नहीं. माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस कंडीशन पर डिपेंड करता है. यही रिएक्शन 1 डिग्री सेल्सियस पे नॉन स्पॉन्टेनियस है. सोचो माइनस वन पे पानी रहना चाहता है कि आइस रहना चाहता है, आइस रहना चाहता है ना. माइनस वन पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी दिया जाए, जेई ने एक बार खेल किया था इसका भी. माइनस वन और 180 पे पानी रहेगा कि आइस रहेगा, आइस रहेगा, मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. पर तुम तो देख रहे हो ये तो हीट रिलीज करके उधर जा रहा है, मतलब डेल्टा ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन दिस केस. टेम्परेचर कुछ भी हो, पानी से आइस तभी बन सकता है जब पानी हीट रिलीज करेगा, लेटेंट हीट. तो भैया ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसा होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने की कंडीशन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो नहीं है. कंडीशन है डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. क्लियर, यूनिवर्स का ग्रेटर देन जीरो है, सोचो कि है, सराउंडिंग बचा ले जाएगी इसको. क्लियर है, पक्का बोलो क्लियर है. अच्छा अब इसी में आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं, यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए. एक डेटा मैं आपको देता हूं, उसको जरूर देखिए, उससे कुछ आपकी बातें क्लियर होंगी. एक खूबसूरत सा डेटा आप ध्यान से देखिए, जो प्रोसेस है H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में जाने का, यानी वाटर से आइस की तरफ जाने का, उस प्रोसेस को डिफरेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग एंड टोटल एंट्रोपी चेंज पूरे यूनिवर्स की दे रहा है हमको. ध्यान से देखते हैं, माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे, बच्चों लॉजिक लगाइए, माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे क्या एग्जिस्ट करता है, आइस की वाटर, वाटर मतलब ये प्रोसेस माइनस वन डिग्री पे कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. हमने देखा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम नेगेटिव आ रहा, लॉजिकल भी है, वाटर हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा तब आइस बनेगा कि अब्सॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो क्यू नेगेटिव होगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी, क्यू नेगेटिव तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी नेगेटिव, जो कि मैं बोल रहा था रिलीज वाली हीट को नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैसा आया, पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग हीट को एक्सेप्ट करेगा. टोटल देखा तो हमने ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से ज्यादा था, तो प्लस 0.08, मतलब टोटल डेल्टा एस क्या आया, ग्रेटर देन जीरो, एंड हेंस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट माइनस वन डिग्री. माइनस वन डिग्री पे क्या आइस वाटर बनना चाहेगा, क्या वाटर आइस बनना चाहेगा, यस, क्योंकि वाटर से आइस वाले प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो आ रहा है. फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस वन पे आओ, पहले प्लस वन पे आओ. प्लस वन पे बच्चों क्या लगता है क्या होगा, क्या प्लस वन पे जीरो से ऊपर, क्या जीरो से ऊपर आइस रहना चाहेगा, ये सारी चीजें 180 प्रेशर पे भी हुई है, ठीक है, साथ में ये भी दिया, क्या जीरो से ऊपर आइस रहना चाहेगा, वाटर रहना चाहेगा, मतलब ये वाला प्रोसेस जो दिखाया ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस.
ठीक है, चेक करते हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव, क्योंकि अगर पानी से आइस बनना है तो डेफिनेटली हीट को तो रिलीज करना होगा, तो नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव, यहां पे आते हैं इस वाले पे चले, ये तो नेगेटिव रहेगा हर प्रोसेस में, तीनों बार देखो नेगेटिव। सराउंडिंग का हर बार पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग हीट लेगा। और टोटल आ रहा है डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस टोटल इज नाउ कमिंग आउट टू बी लेस देन जीरो एंड हेंस द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे ज्यादा कमाल का इसमें ये वाला प्रोसेस नोट करने को है, एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM होता क्या है बच्चों, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड का जो प्रोसेस होता है 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पे, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर रिवर्सिबल होता है तो डेल्टा एस टोटल कितना आना चाहिए, 0, विच इज 0। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। जरा ध्यान से देखो, इस समय डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। देखो ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव आना ही, इसको तो बेचारे को हीट रिलीज कर रहा है। रियलाइज हुआ कि यहां पे जीरो क्यों आया, बिकॉज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एट जीरो। जीरो से नीचे जाते हैं तो आइस बनना चाहता है, जीरो से ऊपर आते हैं तो वाटर बनना चाहता है। ये आप जब पढ़ोगे मेरे साथ गिब्स फ्री एनर्जी का टर्म, तब आप ये चीज समझोगे ये क्या हो रहा है। एक टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, उसके नीचे बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। -1 पे ये वाला रिएक्शन होना चाहता है, +1 पे ये वाला होना चाहता है, और जीरो पे कोई नहीं, किसी की टेंडेंसी नहीं, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो देखिए जेई में 2014 में जो सवाल हमसे पूछा, ठीक है, नीट वाले बच्चे उदास ना हो यार, मेंस के अगर सवाल कर रहे हो तो आप जेई के सवाल कर रहे हो, सॉरी नीट के सवाल कर रहे हो, टेंशन नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के देख लो, बन रहे तो बन रहे, नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे। अभी इंट्रोपी में बहुत कुछ बचा भी है, तो ठीक है, अभी केमिकल रिएक्शन में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा है तो वो आएगा, तो वहां पर भी इंट्रोपी है पूरी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहां पे थे हम, तो मान लो 2014 में हमको जो सवाल दिया, वो हमसे बोला कि H2O लिक्विड, थोड़ा सा अलग है, गिव्स H2O गैसियस एट 1 ATM 373 केल्विन। आपसे पूछा है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऑप्शंस बताएं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज लेस देन जीरो, सराउंडिंग इज लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये चार ऑप्शन है, ठीक है। इधर सराउंडिंग की बात की, इधर सिस्टम की बात की, ए बी सी डी। पॉज करके ट्राई करिए इसको, पॉज करके ट्राई करिए, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है, कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो। आई विल काउंट टिल 5, 1, 2, 3, 4, 4.5, 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्या हुआ। 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस 1 ATM, 100 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा भाई। 100 डिग्री तो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड भी स्टेट एग्जिस्ट करती है और गैसेस स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, यानी टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आने वाला है, जीरो। और 1 ATM भी ध्यान देना, प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है, जीरो आने वाला है। अच्छा, लिक्विड से गैसियस कब बनेगा, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा भाई, हीट करोगे इसको तब गैस बनेगा ना। मतलब अगर हम डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के कंसिडर करें, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, और हीट तो इस बार एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, तो सिस्टम का डेल्टा एस पॉजिटिव है, पर टोटल तो जीरो आना है, इसका मतलब सराउंडिंग का डेल्टा एस नेगेटिव होगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ऐड होकर जीरो आ जाएंगे, क्लियर है। इस बार सिस्टम का नेगेटिव नहीं सोचना पड़ता है, सुनना हमेशा नेगेटिव सोचना पड़ता है भाई, इसको हीट करोगे तो गैस बनेगा ना, तो हीट एब्जॉर्ब किसने, तो ये पॉजिटिव, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हो गया तो इसको भैया साहब नेगेटिव होना पड़ेगा ना सराउंडिंग को, टोटल तो जीरो आना है, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। बोलिए क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा भाई कि रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, तो इसको चेक करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस
कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास हो रहा हो, जैसे हम ले लेते हैं हमारे पास एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब कैसे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है और अगल बगल सराउंडिंग है, हमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। तो हमने माना कि सिस्टम ने सराउंडिंग को थोड़ी सी हीट दे दी, थोड़ी सी हीट, छोटी सी हीट सिस्टम ने सराउंडिंग दे दी डी क्यू। इतनी छोटी हीट दी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ और सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। सिस्टम और सराउंडिंग शुरुआत में भी इक्विलिब्रियम पे थे, बाद में भी इक्विलिब्रियम में, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर भी टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या है टी, दोनों स्टार्टिंग में भी इक्विलिब्रियम में थे, बाद में भी थी। अब आप बोलोगे सर ऐसा था तो इसने डी क्यू हीट क्यों दिया, ठीक है, मतलब हमने बहुत छोटी सी हीट ली कि ट्रांसफर हुई है सिस्टम और सराउंडिंग बीच में, ठीक है, रिवर्सिबल है ये, इधर जाएगी डी क्यू हीट, सराउंडिंग इसको तुरंत वापस दे देगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। भाई साहब अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा तो सिस्टम एक बार हीट अगर सराउंडिंग को दे दिया तो सराउंडिंग उसको वापस नहीं कर पाएगा, है ना, फिर ये हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा ये लो। तो हमने माना दोनों का टेम्परेचर सेम है, डी क्यू हीट इधर 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 बार बार चेंज हो रही है, तभी ये प्रोसेस रिवर्सिबल पॉसिबल है, अदरवाइज रिवर्सिबल, अगर एक का टेम्परेचर कुछ और एक का कुछ और हो तो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, हायर से लोअर की तरफ हीट फ्लो कर जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें डेल्टा एस फॉर सिस्टम की, तो सिस्टम ने हीट लूज की है तो हम लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई टी, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इतनी छोटी सी हीट है कि उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा जाने से, ठीक है। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की बात करें बच्चों, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, तो सराउंडिंग ने यही डी क्यू हीट गेन की है तो प्लस डी क्यू बाई टी। अगर हम बात करें डेल्टा एस टोटल की, तो आप देख रहे हो डेल्टा एस टोटल कितना आ रहा है, जीरो दिखाई पड़ रहा है, जितना है पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल क्या होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में टेंशन मत लेना, डेल्टा एस टोटल हमेशा कितना रहेगा, जीरो। थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चीज बताई आपको, रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहा था, आइस से वाटर, वाटर से आइस, जीरो डिग्री सेल्सियस पे 180 पे डेल्टा एस टोटल जीरो। सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग उतनी हीट रिलीज कर देगा, बराबर, क्लियर। दूसरा बच्चों यही प्रोसेस हो सकता है एडियाबैटिक, ध्यान देना यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल की बात की, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेल्टा एस सिस्टम जितना नेगेटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग उतना पॉजिटिव, या वाइस वर्सा हो सकता हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, डी क्यू यहां से यहां जा रही है, एनीवेज डेल्टा एस टोटल, पर डिफरेंस समझना। देखो एडियाबैटिक रिवर्सिबल में डेल्टा एस टोटल वहां भी जीरो, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे उसमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी तो जीरो आएगा, पर एडियाबैटिक का मतलब क्या है, एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट चेंज जीरो है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों ही जीरो है। एडियाबैटिक का मतलब देर इज नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है, मतलब डेल्टा एस सिस्टम की बात करें तो जीरो, कोई हीट लिया ही नहीं। भाई डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, यहां साइड में लिख दें, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या अपना लगा रहे हैं, डेल्टा क्यू बाई टी वाला लगा रहे हैं, कोई हीट रिलीज नहीं किया, कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ऑल्सो सेम, डेल्टा एस टोटल विल बी जीरो, हाँ या ना। तो डेल्टा एस टोटल तो आइसोथर्मल में भी जीरो है, एडियाबैटिक में, पर डिफरेंस समझो, आइसोथर्मल में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एस टोटल इज जीरो। एडियाबैटिक में कोई हीट एक्सचेंज नहीं, सिस्टम का भी जीरो, सराउंडिंग का भी जीरो, टोटल भी जीरो। मल्टीपल चॉइस के लिए बढ़िया एक सवाल है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा क्या रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हमेशा जीरो होता है, नहीं होता है, हो सकता हो पॉजिटिव, हो सकता हो नेगेटिव, सराउंडिंग उसको कंपनसेट करें। क्या रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों जीरो हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकता हो दोनों भी जीरो हो और टोटल भी जीरो हो एडियाबैटिक में। अब बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की, इररिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में हो, इररिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों जो एक ही डायरेक्शन में हो, जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा बच्चों कैसा प्रोसेस होगा, जो एक ही तरफ चल रहा हो मतलब किसी एक डायरेक्शन में कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा, जिस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा उस तरफ डेल्टा एस टोटल क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। इतनी बातें तो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कहानी कहानी फॉर्म में प्रूफ ले रहे हैं सबका, हमने पूरा अंदर डिटेलिंग की। भाई इररिवर्सिबल है मतलब एक तरफ जाना चाहता है दूसरी तरफ नहीं, तो एक तरफ स्पॉन्टेनियस है, जिस तरफ स्पॉन्टेनियस उस तरफ एंट्रोपी बनेगी बढ़ेगी और चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। मान लेते हैं फिर से हमारे पास ये सिस्टम है और फिर से हमारे पास सराउंडिंग है,
और हमें इस बार एक इरिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए. कैसा चाहिए? इरिवर्सिबल. मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, और अज्यूम कर लेते हैं T1 ग्रेटर देन T2 है. सिस्टम से बाहर की तरफ हीट फ्लो की DQ, और अब ये DQ हीट वापस आने वाली नहीं है क्योंकि सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है. तो अब ये DQ हीट वापस नहीं आ सकती. ये प्रोसेस कैसा हो गया? इरिवर्सिबल. टेम्परेचर इसीलिए डिफरेंट लिया. एक बार हीट गई तो गई, हायर से लोअर, लोअर से हायर आ नहीं सकती. तो हमने कहा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हमको बताइए. तो आपने कहा सिस्टम ने हीट लूज की है माइनस डी क्यू अपॉन कितने टेम्परेचर पे है? टी वन. हमने कहा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी बताइए भाई. आपने कहा ठीक है सर, उसने हीट गेन की है प्लस डी क्यू पर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? टी टू. हमने कहा डेल्टा एस टोटल बताइए. आपने कहा ठीक है सर, दोनों जोड़ देते हैं. तो माइनस डी क्यू बाय टी वन प्लस डी क्यू बाय टी टू. सो यहाँ से डी क्यू कॉमन हो गया. वी आर लेफ्ट विथ वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन. सो डेल्टा एस टोटल डी क्यू कॉमन, ये कितना हो जाएगा? टी वन माइनस टी टू अपॉन टी टू इंटू टी वन. ये एलसीएम होगा. अब यहां से देखो टी वन माइनस टी टू पॉजिटिव आएगा क्योंकि टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. टी वन बड़ा है टी टू से, मतलब ये पूरा टर्म ग्रेटर देन जीरो. तो वही मैंने बोला चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन जीरो. तो अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है जो कि लेक्चर के शुरुआत में बोला था मैंने, और स्पॉन्टेनियस है, हमारे यूनिवर्स में कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है. कैसा प्रोसेस हो रहा है? नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी. नेचुरल मतलब क्या? जो खुद से हो. मतलब यूनिवर्स जब तक चलेगा तब तक यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं. डिसऑर्डर हमारे यूनिवर्स का हमेशा बढ़ेगा. यूनिवर्स कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिएगा जितने ही प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल. और अगर रिवर्सिबल होंगे तो एंट्रोपी चेंज जीरो होगा. और नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जो खुद से ना हो, है ना. तो एंट्रोपी ऐसी चीज है जो यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती. तो डेल्टा एस कहाँ लिखूं? किसी अच्छी जगह पे लिखूंगा, पवित्र जगह पे, सुंदर सी जगह पे. यहाँ लिख देता हूँ इसको. देखो बड़े प्यारी लाइन है ये. डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो उन प्रोसेस के लिए जो रिवर्सिबल है, जो कि हो नहीं सकते हमें पता है, फिर भी चलो लिख दिया केमिस्ट्री की बात मान के. डेल्टा एस इक्वल टू जीरो कब होगा? जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो. और ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब इरिवर्सिबल हो. नेचर के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं. कौन सी चीज वापस आती है? 100% रिवर्सिबल कुछ नहीं है. बोलोगे सर लेस देन जीरो किस में हो? तो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो, तो हम करते हैं, हम करते हैं वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा एस लेस देन जीरो होता है. इंसान करता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो नेचुरली नहीं होना चाहते. क्लियर है? तो आपसे एग्जाम में आएगा प्रूफ करो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. प्रूफ कर दोगे? इधर रिवर्सिबल प्रोसेस, इधर रिवर्सिबल में आपको पता है जीरो आएगा. एक आइसोथर्मल ले लिया, एडियाबेटिक ले लिया, और ए रिवर्सिबल मैंने टेम्परेचर डिफरेंट क्यों लिया, ये भी क्लियर होगा. किताब में बना रहता है हम लोग समझ नहीं पाते टेम्परेचर डिफरेंट क्यों. क्लियर हुआ है? क्योंकि ए रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए, एक बार हीट गई तो वापस ना आए. क्लियर? नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. नोट कर लें भाई, मैं फिर से अपने मार्कर को थोड़ी इंक पिला दूं. सब समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों. मान लो हमसे कोई कहता है कि हमारे पास कोई गैस है, आइडियल गैस है, और उस आइडियल गैस का प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T है. उस गैस को हमने हीट किया और हीट करने से उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो गया. तीनों चेंज हो गए, तीन में से कोई एक चेंज हो गया, दो चेंज हो गया. अलग अलग तरह के प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट, वगैरह वगैरह. हमसे कहता है फाइंड करिए चेंज इन एंट्रोपी. तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय टी. पर हमको हीट की वैल्यू दे ही नहीं रखी इस बार. हमें वैल्यू देगा वो प्रेशर की, कि पी वन इतना है, चेंज होने के बाद प्रेशर इतना हो गया. वी वन इतना है, चेंज होने के बाद वॉल्यूम इतना. टी वन इतना है, चेंज होने के बाद वॉल्यूम इतना. हीट की वैल्यू नहीं दिया और चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है. कैसे करेंगे इसको? तो बच्चों ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस. तो होपफुली ये वीडियो भी आज ही रिलीज हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगा इसी पे, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, और सिर्फ किसके बेसिस पे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बेसिस पे.
मतलब जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में हीट देके एंट्रोपी चेंज पूछे भाई. एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे भाई. स्टेट फंक्शन समझते हो ना, ये कहानी एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है. जैसे इंटरनल एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता था? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे. एंट्रोपी भी जैसे मान लो स्टेट ऐसे चेंज हुई, हम पूछे इस प्रोसेस में क्या एंट्रोपी चेंज है, आपको यहीं से बताना पड़ेगा. P1, V1, यहां P2, V2, आपको ये देख के बताना पड़ेगा एंट्रोपी चेंज कितना है. हीट नहीं देगा हर बार. अब समझ रहे हो, अब टॉपिक के डेप्थ में जाना है हम लोग को कि कैसे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो होगा थर्मोडायनेमिक्स का, लेक्चर नंबर 11, दैट विल बी एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इवन फेज चेंज में, जब हमारी फेज ही चेंज हो जाए. उसके बाद अगला लेक्चर आएगा गिब्स फ्री एनर्जी पे, बड़ा इंटरेस्टिंग. क्यों बनाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी पे? क्योंकि एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी दोनों ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं समझा पाए. समझाया किसने? गिब्स फ्री एनर्जी ने. फिर गिब्स फ्री एनर्जी के बाद आएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एंट्रोपी की कुछ बातें फिर से आएंगी, थोड़ी सी गिब्स फ्री एनर्जी की बातें आएंगी, और तब ये चैप्टर खत्म होगा. तो पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.